हाँ, निश्चित रूप से तो सृष्टि का नियम। जब मैंने अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन दिया तो मेरे बॉस ने यही पूछा कि आप रिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ क्या बनेंगे आप, क्या बनोगे? तो मैंने सोचा नहीं, कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा, और सब तो सेवा करने जा रहे हैं। वेरी सरप्राइज। अच्छा, तो फिर घर में तो रिस्ट्रेंस था ही। मेरी माता जी ने पहले शरीर छोड़ दिया था, तो 3 सिस्टर्स ही बहुत प्रेम करती थी मुझसे, करती भी हैं, और बहुत दुख हुआ कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। और वो रोज मंदिर में आके कैंपिंग करते थे और मंदिर के हर अधिकारी से मिले, नीचे से ऊपर, और सब जगह उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सबसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट दिया भक्तों ने, बहुत एनकरेज किया और बहुत टॉलरेट किया भक्तों ने। गजेंद्र प्रभु, जिस मोहन रूपा प्रभु, गोपाल स्वामी महाराज, बार बार जाते थे, सबको बार बार बहुत प्रेम से उनको डील करते थे, एनकरेज करते थे, मुझे भी उत्साह बनाते थे, और काफ़ी सेंसिटिविटी उनको हैंडल किया। और वाई कृष्णाज अरेंजमेंट्स, वोपाल स्मरसी, कुरुमाल स्मरसी, स्लोली सबके सब भक्ति में जुड़ गए। और इतनी अच्छी बात थी कि 1998 में जब राधा पार्था साथी का मंदिर ओपन हुआ था, ये तो मेरे ज्वाइन करने से पहले है ना, सभी भक्ति में थे। 1998 में जब राधा पार्था मंदिर ओपन हुआ था तो पूरी फैमिली ने छुट्टी लेकर उसमें सेवा की। और जब 2004 में मैंने ज्वाइन किया तो दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, वगैरह थे बाहर रह के भक्ति करते, सब करते हैं जैसे है, जो फैसिलिटी चाहिए आपको देगी बाहर, कुछ समाओ डिटरमाइन था। और धीरे 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 उस सब पे जुड़े, सबने 16 माला भी शुरू कर दी, काफ़ी इनिशिएटेड भी हो गए।